लेकिन वो जो पाइप अलग आप बिछवाइए, आप जो जिससे इधर आगे पानी बढ़ाया जा सके। अब वो लोग जो है बहुत एकदम दिक्कत में, पानी पानी मिल नहीं पा रहा है, किसी को पानी मिल नहीं रहा। नहीं नहीं, आधा बाजार सिर्फ पानी मिल रहा है, आधा बाजार पानी नहीं मिल पा रहा है। अरे ये तो हम लोग इतना जो है जबरदस्ती किए, जो है जो आए थे अधिकारी उनसे बात किया कि देखिए भाई ईद पे हमें कोई पानी है नहीं, आपको मतलब जोड़ना है। हम लोग अपने हाथों से खोद करके कनेक्ट किए तब जाकर कि ये जो है चालू हुआ, नहीं तो वहीं पर ब्लॉक करना चाहते थे, वो ब्लॉक कर दे रहे थे वहीं पर। हाँ पानी पानी वही एंड कर रहे थे, तो हम लोगों ने जबरदस्ती करके विरोध नहीं किया, बोला नहीं, विरोध किया ना तभी चालू हुआ इधर। हमने जो है विरोध करके ये अपने हाथों से हम लोग कनेक्ट किए जो है, तब जाके पानी चला। दरखास्त दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा। नहीं देखिए, गद्दे पे सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, और सैलरी ऊपर से 40-45-50-60-70 हज़ार तक सैलरी जा रही है, उसके बावजूद भी हाल है हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का, मनियाऊ क्षेत्र के सुन्नीपुर ग्राम सभा का। बिल्कुल सर, और नौ इस तरीके से विकास है, देखिए प्रूफ हम दे रहे हैं। नौ दस कहिएगा एआई जनरेटेड वीडियो, नौ दस महीने तक पानी का एक बूंद भी नहीं मिला है, नहीं मिला, पूरा नहीं मिला। पूछ लिए आप किसी भी ग्राम सभा वाले से, पूछ लिए यहाँ पे पानी बंद हुआ है। और अभी नवंबर कितना दिन बाकी है, दो ही महीना बाकी है, अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। और जब कनेक्शन आप कर रहे थे, दूसरा दूसरी पाइप आप बिछा रहे थे, तो जो मेन पाइप से पानी आ रहा था पहले, उसको आने देना चाहिए था, आप पूरा कनेक्शन कर लेते और ज्वाइंट कर देते, हम लोग एकदम सुध। लेकिन 9 महीने 10 महीने तक एक बूंद पानी नहीं मिला, किसी से पूछ लिया। अब ये देखिए, बात ये है कि जो काम करना चाहिए, जो तरीका है काम करने का, अब इंजीनियर के अलावा जनता इनको बताएगी किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से ज्वाइंट करना चाहिए, किस तरीके से रोड का आर्किटेक्चर होना चाहिए, किस तरीके से पाइप का आर्किटेक्चर, जो पाइप फैलाने की जो लाइन होती है, ग्राफ किस तरीके से तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब ये काम इंजीनियर का होता है, इंजीनियर के अलावा यहाँ पर जनता कुछ खुद राय दे रही है किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। करके हम लोग ने वहाँ पर बच्चे लोग कनेक्शन किए, ये जो कनेक्शन अब पानी आ रहा सर ने, वो वहीं पर बिल्कुल बाग था, ब्लॉक था, समझ रहे हैं, वो वहाँ पर जोड़ करके खिसु उसर लगा दे, इधर कुछ लोगों को पानी मिल रहा है, और लेकिन यहाँ से जो पानी लगा करके कनेक्शन वहाँ जॉइंट करना था, वो पानी कनेक्शन जुटा नहीं, पानी मिले के क्या, उधर वाले तरह तरह मचा रहे हैं, एक दूसरे आज भी वही हो रहा है, एक दूसरे पानी ले रहे हैं, दूसरे के घर जी वो जो है समर सेबुल लगा लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कनेक्शन था, जो हैंड पाइप थी, सब बंद हो गई, समझ रहे हैं, जो कनेक्शन यहाँ पर जुटेगा उसी से पानी मिलेगा। हैंड पाइप बंद करवाया गया है? ना ना ना, पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। अरे जब समर से बुलगा के कहाँ पानी आएगी, नहीं आ रहा नंबर में पानी नहीं आएगी। इंडिया मार्ग का कल है, इंडिया मार्ग का 700-750 बोरिंग होती है, तो पानी आता है, ये तो 40 फीट है, 40 फीट एकदम सब बंद है, सब बेचारे तरह तरह मच रहे। 700 फीट बोरिंग जाएगी, जो 250 फीट जो बोर है उस पे पानी आ रहा है, लेकिन जो 40 फुट पहले पुराना जो बोरिंग है उससे पानी नहीं आ रहा है, वो सब जो है मतलब बंद हो गए हैं। ऐसे पानी दोगे आप लोग, ऐसे काम करोगे जिसके लिए आप लोग सैलरी दे, तो आप लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि ये पब्लिक पूरी करिए, थोड़ा सा पीछे का पूरा दिखाइए, कितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद जो गवाही दे रहे हैं कि आप लोग पानी कैसे देते हो। सारे बच्चों इधर सामने आओ, इधर रोड पर बोलो, और ये चीज है, यहाँ पर पानी मिलना चाहिए इन लोगों को, यहाँ पर इन लोगों को पानी चाहिए, पानी चाहिए तो चाहिए, ऐसे पानी मिल रहा है सुन्दीपुर की जनता को। अरे पानी चाहिए सर, सड़क अच्छी चाहिए, वो जो सड़क गुतमरा वाली है वो कागज में नहीं है, नहीं। यही सड़क जो है मेन है, हाँ। जो जा करके हमको कनेक्ट करती है, जो है सीतम सराय से जो है बनारस रोड में, हाँ। और बकिया कोई सड़क नहीं है, संपर्क मार्ग, संपर्क मार्ग सब कटा हुआ है, आगे से रास्ता बंद हो भाई है, लेकिन वो रेलवे है, और बढ़िया सड़क होगी तब नहीं वहाँ पर मजबूरी है कि लोग जाते हैं। देखिए कहते कहावत, लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो गलती से बोलते हैं, तो मजबूरी का नाम ये रिश्वतखोर अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात है, ये रिश्वत खाकर 100 रुपए में ये पूरा 70 रुपए खा जाते हैं, ये ब्लॉक स्तर की हकीकत है यहाँ का, दूर तक देखिए। आपको अगर हमें अगर प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ देंगे, चैलेंज कर कर एक बार धावा मारेंगे, आप लोगों की पोल खुलती रहेगी। अभी कितने अधिकारी पकड़े जा रहे हैं,
अभी कल मुरादाबाद में डीएम का स्तर का उसका बाबू पकड़ा गया है 50,000 रुपए लेते हुए, इलीगल लीगल जो जमीन है किसान का उसको इलीगल दिखाने के लिए, मतलब उसको गलत दिखाने के लिए पैसे ले रहा है इस तरीके से। और ये विकास है हमारे सुजनीपुर का, और यहाँ पर ये बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, कल के लिए देखिए कैमरे से भाग रहे हैं, शायद कैमरे से ये बच्चे भाग रहे हैं यहाँ पर, और इनको क्या पता, इनको क्या पता कि हमें तकलीफ है, इनको बच्चों को क्या पता हमारे माँ बाप को तकलीफ है। आधे बाजार दस दिन हर कहना दिए कमी का उनकर और आधे पाइप आधे पानी देते हैं गाँव वाले के, पानी तकलीफ होता बहुत होता। देखो अब इनसे क्या कहना चाहोगे, सैलरिया तो ले रहे हैं कुछ, सैलरिया लपेटवा करिए काम देखो ना करिए काम एक को ना करिए। देखिए हमारा सीधी सी बात है, कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे। बात यह है कि आप लोग अपने आंखों के चश्मे का साइज बढ़ा लीजिए, किस तरीके से अगर लोग जा रहे हैं इन सड़कों पर उनका एक्सीडेंट हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन है। और यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई गई है पूरी आधी अधूरी बिछाई गई है यहाँ पर, और इन लोगों को ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पर पानी के लिए मांग कर रहे हैं कि पानी चाहिए। ये सुजनीपुर की जनता है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, और ये सबूत हम आपको दे रहे हैं कि आपके यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। शायद अधिकारी कोई कैमरे के सामने आने का प्रयास नहीं करता, शायद भागता है। ये सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों को 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकती है तो काम आखिर क्यों नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी जाइए, सरकारी नौकरी मिलने के बाद यहाँ करेंगे आप लोग। मच्छर तो आदमी सोते नहीं है, मच्छर होता है, मलेरिया टाइफाइड हो रहा है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन है, सरकार है, है ना, ठेकेदार जो पैसा खा रहा है वही है। सफाई कर्मी सफाई थोड़ी कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं हाँ देख लीजिए सबूत दे रहे हैं, दवा भी नहीं कभी मारते हो लोग, दो दो साल में सफाई करते हैं। हम आपको वीडियो पर टैग करके यही सवाल करना चाहते हैं, क्या आप लोग इसी के लिए सैलरी देते हो, क्या आप लोग पैसे, क्या आप लोग उसमें से भी बंटिक लेते हैं। आपने नाला की हालत देखी, हाँ नाले का हालत दिखाया मैंने, देखा माता जी रोडवा कब से खराब है, कब से खराब है, कब से खराब बा रोड, कब से खराब है, 15 साल हो गया, 15 साल पानी लोग नहीं मिलता, सफाई होती है, नहीं नहीं होती ना, नहीं सफाई नहीं होती, हम लोग को पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं पानी लोग नहीं मिलता है, नाला अंदर भर गए, तकलीफ हो रही है आने जाने, बहुत तकलीफ है भाई, पानी की दिक्कत है लोगों को, पानी की दिक्कत बहुत भाई, यहाँ पे पतला पाइप लगा दिया है लाके पानी आ ही नहीं रहा है। हमको ये बताइए कि आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, ये भाई पानी नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेगा आदमी, आदमी का जीवन है, खाना कम मिले लेकिन पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये सब सोचना पड़ना चाहिए ना। इधर भी समस्या सुनिए, क्या बताइए माता जी, हमारे घर नाला नहीं है, हम लोग को हाथ से पानी फेंकते हैं, नल का नाला नहीं बना, नाला नहीं है, कौन सा गांव है, इधर दुबैया गांव है, दुबैया चिरोमा, चिरोमा चिरोमा चिरोमा, इसी गांव में नाला नहीं है, हम लोग हाथ से पानी नल को चला के फेंकते हैं, अच्छा नाला नहीं है, हमारे यहाँ के नेताओं का जनप्रतिनिधियों का नाला का नाले के लिए पास कर दिया जाता है, जिस प्रधान को, जिस जनप्रतिनिधि, जिस अधिकारी को सबूत चाहिए, मैं पूरी सबूत देने के लिए हाजिर हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी क्षमता जरूर रखता हूँ कि कहाँ पे कैसे पास हुआ है और कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। अरे भैया यहाँ से लेकर गोपीपुर भुसेरा नायकपुर आप वहाँ धोर तो उधर चला जाए ना, यही दशा है पूरा एकदम, मतलब पूरे एरिया में ना कमी है, अब इसमें जो उच्च अधिकारी है वो नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रधान जी हमारे सामने बेचारे जो लड़ रहे हैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी तो लड़ बरस में एक बार आते हैं जाते हैं, पैसा फिर नहीं मिल रहा होगा आगे से, जब प्रधान जी तो कह रहे हैं भैया कनेक्शन करो कनेक्शन करो, काम करेंगे तब ना प्रधान जी पनिया मिले तो भैया ना रोटो भाई बनाता, पनिया चाहे कि ना चाहे, चाहे भाई थोड़ा तो बढ़िया हटावा, नेताजी से बोला पनिया पनिया अमोक चाहे अमोक वोट दे, बोल अच्छा अच्छा हम पनिया चाहे भैया, हाँ हाँ
उठी है ईमानदारी से लेबर पता घर घर पहुँचा हुई कमल सब दिए भैया कमल पे दिए हैं लेकिन तब जो ना मिले तब पानी कमल पे दिए एक बात ही कमल पे दिए बाद ही बात बाटे कमल तो फूल नंबर दे 8 9 8 9 टू जीरो कमल तो दिए इतना तो रसनवा सब डबल जीरो 3 9 और देखिए मनीष दुबे ये जबरदस्त विकास है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुंदरीपुर ग्राम सभा का और ये पड़ेगा मणियाव क्षेत्र 370 विधानसभा नाले को दिखा दिया मैं नाले को दिखाया हूँ किस तरीके से यहाँ पर नहीं दिखाया हूँ यहाँ पे जब बारिश होती है मजबूत हाँ यहाँ पे बारिश जब मजबूत होती है तो पूरा इसमें जो है जल एकदम भर जाता है जल भर हाँ नाला जब पूरा क्लियर नहीं है तो पानी कहाँ से पास होगा पूरा रोड पे आ जाता है गाड़ी चलना पैदल मुश्किल हो जाता है बहुत सारा दिक्कत है भैया यहाँ तकलीफ हो रही है जाने में खराब है दिक्कत होती है कि नहीं दिक्कत तो होता है होती है ना होता बनना चाहिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग जा रहे हैं आ रहे हैं रास्ता भी नहीं मिल रहा है हम लोग को रास्ता सब बंद कर दे हाँ रास्ता नहीं है हम लोग को जाने नहीं देते हैं पड़ा बनकर दे जाता है अगर बारिश होने लगती तो हम सबको रास्ता सब बंद कर देते नहीं इधर से नहीं जाना है पड़ा बनकर सब लोग प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे आगे बस यही सूट होगा बस यही उधर उधर दिखाया हूँ दिखाया हूँ नलवा पूरा एक सेकंड इधर दिखा देता हूँ एक सेकंड फिर घुमा लेता हूँ आइए और ये यहाँ का जो पानी का ज्वाइंट पॉइंट है पानी का अब इधर से ही निकला हुआ है और यहाँ पर वहाँ पे जाके इंड हुआ दूसरा छोर जो है वहाँ से वहाँ बता रहे हैं वहाँ पाइप लगा दिए लाके यहाँ पे रुका हुआ है अपना पाइप लगा यहीं पर हम लोग यार खोद करके बोले ना हम लोग खोद करके तो हम लोग अपने हाथों से कनेक्ट किए हैं यहाँ पे और वो भी रमजान के समय पे जो है हम लोग रोजा रख करके दोपहर में खोद करके वो वही एंड कर रहा था लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने खोद करके यहाँ जो है प्रयास करके अपना इधर कनेक्शन करा दिया लेकिन आधे बाजार के बाद जो है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है वही ना पानी बराबर इंसान नहीं है आप लोगों को दिखता नहीं है आप लोगों को इंसान यहाँ पतला पाइप लगा है पतला ये कौन सा तरीका है पाइप लगा चाहे मोटा पानी मिल जाता बस उतना है क्या फोर्स से आए भाई जब उठा करें क्लियर करें और अब ये तो मैं दिखाया हूँ ये तो दिखा दिया हूँ आइए थोड़ा सा आगे के दिखाते हैं बाजार का आइए बाजार का थोड़ा दिखाते हैं पूरा रूबरू कराते हैं आपको यहाँ के रोडों को आइए किसी दिन और मिलेंगे हम आपको शीतलगंज की तरफ दिखाएंगे और यहाँ का कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं देखिए सुदनीपुर का पूरा रोड है यहाँ पर पूरा रोड जहाँ तक आपको आपका नजर जा रहा होगा पूरा रोड खराब है सबसे खराब है सबसे खराब है 10 साल दे चाचा हिचकिचा रहे हैं यहाँ पर आइए दिखाते हैं ये हाल है यहाँ का और ये हिसाब किताब है यहाँ पर जो नाले का पॉइंट होना चाहिए कायदे से खोद कर इसको ढक देना चाहिए कायदे से और थोड़ा सा गड्ढा रहेगा यहीं तक नाले का है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे तक पूरा ये हाल है जब ये टूटता है फूटता है दोनों तरफ इसको जोड़ना चाहिए दोनों तरफ बनाना चाहिए और कुछ नागरिक अपना खुद का काम कर रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये पूरे सुदरीपुर ग्राम सभा का यह दृश्य है देखिए पूरा खड्डा हो जाता है देखिए बारिश में अब ये अभी सूखे हाल सूखे पे ये दब रहा है यहाँ पर देखो खोदा गया है सूखे पे दब रहा है बाद में और गड्ढा हो जाएगा ये दब जाएगा और ये खुदाई होती है इस तरीके से यहाँ पर काम कर जबकि खुदाई होने के बाद इसको ले इसको बना देना चाहिए यहाँ पे डबल वाहन पास नहीं हो पाता डबल वाहन चार चक्के की पास नहीं हो पाता इसके लिए कोई सोच तो है नहीं क्योंकि हम लोग तो वोट देते नहीं ऐसा महसूस होता है आइए पूरे सुदनीपुर का ये हाल है कब से खराब है ये खराब है नहीं बोलोगे हमारे साल भर पानी पीने हो गया सारा पानी नहीं मिल रहा है ना पानी सफाई हो रहा है यहाँ पानी आपको भी नहीं मिल रहा है नहीं कुछ नहीं मिल रहा भाई हम लोग गढ़ाक पानी पी रहे हैं पूरे सुदनीपुर पूरे गढ़ाक पानी पी रहे हैं भाई ये थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको आगे ये देखिए यहाँ पर ये खुदाई हो रहा है अब खुदाई होने के बाद शायद इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही यहाँ पर ये खुदाई होकर यहीं पर ऐसे छोड़ दिया जाए पेंडिंग सारा काम किया जा रहा है जबकि इसके लिए लोगों को पैसा मिलता है जो ठेकेदार काम कराता है इसके लिए पैसा मिलता है इसको सही करने के लिए
है। अरे चाची पानी मिला था, कितना दिन हुआ पानी मिल रहा है? पानी एकदम नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, कुआं से पानी निकाल रहे हैं, कुआं से, हाँ कुआं से। अब ये हाल देखो, नल का तो छोड़ो, यहाँ कुआं से निकाल रहे हैं लोग पानी, पहले साल भर से पानी कुआं से ले रहे हैं, कुआं से, हाँ कुआं से। चलिए देखिए पीछे कितना कचरा है, साल भर हो जाता, साल भर हो जा रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, वहाँ पानी देखिए, वहाँ से पानी लाते हैं, देख लीजिए जहाँ से पानी लेते हैं लोग, आइए दिखाते हैं यहाँ का आपको सबूत के साथ में, यहाँ की तस्वीर को दिखाइए, आप आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, इस कुएं से लोग पानी लेते हैं, देखिए दूरी रखना, थोड़ा दूर रखना, इधर इधर से आके जूम करिए। अब ये जो देख रहे हैं कुआं, अब ये कुआं, अब ये कुआं देख रहे हैं, इस कुएं से लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं, ऐसे हाल है यहाँ पर इस कुएं से। योगी जी, प्रधानमंत्री जी, जरा देखिए, नल तो छोड़िए, यहाँ पर लोग कुएं से पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और जो बाजार में पाइपलाइन जो गई है वो पूरे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रखा है, पूरा पानी नहीं चढ़ाया गया, पूरा पाइप नहीं फैलाया गया, कुछ जगह पर मोटी और काफ़ी जगह पर सीधा पतली, मतलब दो रद्दी काम हो रहा है, दो तरीके से, जैसे दो तरीके का नागरिक हो, ये राजनीति हो रही है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ का विकास है, इस तरीके से यहाँ के सांसद विधायक और नेताजी यहाँ पर काम करवा रहे हैं। ये नलों कुएं का पानी पी रहा है, अब देखिए पूरा आधा सुनीपुर कुएं का पानी यहाँ पर पी रहा है, ये हाल है, इस तरीके से पानी लोग पी रहे हैं यहाँ पर, इतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी कि पूछिएगा मत, मैं दवा नहीं डाल न पानी, अरे जब पानी देने के लिए राजी नहीं, सफाई करने के लिए राजी नहीं, तो आखिर रखते क्यों हो आप लोग, ऐसे लोगों को सैलरी क्यों देते हो? एक आदमी कपड़ा खरीदता है, तेल खरीदता है, यहाँ तक दही दूध खरीदता है, जो भी सामान खरीदता है सब पे टैक्स जाता है, 6-12% से लेके 18% से लेके 28% से लेके 32% तक टैक्स जाता है यहाँ पर, यह हाल है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में 18% जीएसटी जा रहा है, चाची आना चाहिए, पनिया मिलना चाहिए ना, हाँ भैया, हाँ पनिया, बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी है, देखा लगाई मशीन ये बिगड़ गई, ये भी छोड़ दिया था, लेकिन अभी थोड़ा पानी, ये देखिए लोग आखिर करेंगे क्या, जो जिसकी जैसी क्षमता है अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, लेकिन हमारे नेता, हमारे जो अधिकारी हैं, अपनी मेहनत इस तरीके से करते हैं कि सिर्फ सैलरी लेने के लिए तैयार है, सिर्फ सैलरी लेने के लिए। और फिलहाल इस सैलरी के बारे में आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्या राय है, थोड़ा आगे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर, जल्दी आइए, हम आपको इस वीडियो को आपको हम तीन भागों में करके दिखाएंगे। और ये हाल है हमारे उत्तर प्रदेश के सुदनीपुर क्षेत्र का, कहते हैं कि गरजता बहुत है, गरज कर बोलता बहुत है, तो हमारी बातें बुरी लगती है, तो इसको काम करवाइए आप लोग, कनेक्शन करता हुआ साल भर से कोई, हाँ कोई पानी मिल ही नहीं रहा, आप लोग पैसा नहीं देते हैं? अब पैसा तो ले गए पूरा जोड़ के, वोट लेते हैं ना, हाँ वोट तो लेबे करिए, चाहे जे रहे वोट तो लेबे करे, हाथ जोड़ के आए थे, हाथ जोड़े ना गोल है। अरे देखो ना विकास, देखिए ये भ्रष्टाचार है, ये अधिकारियों का, ये तरीके से कागजों में दिखा देते हैं फलाना जगह पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पूरी बाजार पानी नहीं मिल रहा है। जिस दिन नेताओं को कहना चाहता हो, जिस दिन तुम्हारी फैमिली को पानी ना मिले तो क्या करोगे आप लोग? सही बात बताए, फॉर्चुनर में चलने वाले, जैगवार में चलने वाले नेताओं को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जनता के खून पसीने की कमाई के, उनके टैक्स के पैसे से किस तरीके से आप लोग मिस यूज कर रहे हो। देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन है, इनको पानी मिल रहा है, लोग कुएं से पानी पी रहे हैं, नल तो छोड़िए, नल देने की बात ही छोड़ दीजिए, कुआं से सब लिया, वहाँ कुआं से देखिए, और यहाँ पे पानी और ये बारिश होता है तो यहाँ पे पूरा जलमग्न हो, ये दूर तक दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए ये नत कहिएगा थोड़ी दिखाकर बंद कर दिए हैं, हम पूरी दिखा रहे हैं, पूरे सुदनीपुर की सड़क खराब है, यहाँ पर सुदनीपुर की आधी जनता को पानी नहीं मिल रहा है, और सैलरी इनको चाहिए 35-40 हजार, और सुनो जल निगम के अधिकारियों को चाहिए 60-70 हजार 80 हजार, 80 हजार रुपए के बाद भी ये 80 पैसे का काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए योगी जी, मुख्यमंत्री जी, देखिए इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुदनीपुर मणियाऊ क्षेत्र के सुदनीपुर 370 और 74 लोकसभा का, ये हालात है।
यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, आए कैसे काम चलेगा आप लोगों को? आए आप लोगों को कितना चिल्लाएं, कितना कहें, कितना दिखाएं? पत्रकारों का काम है दिखाना करना। ये दूर तक है, दूर तक दृश्य दिखा रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे हम, यहीं पर दिखा दे रहे हैं। ये पूरा रोड खराब है, पूरी सुदनीपुर का रोड खराब है और आधी बाजार को पानी नहीं मिल रहा है। ये जल निगम का अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट है, पूरी तरीके से करप्ट है। यहाँ पर देखिए करप्शन और भ्रष्टाचार का आपको सबूत हम दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है, पानी के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। और सड़कों के हालात को देखिए किस तरीके से सड़क का विकास है। योगी जी देखिए हारने का आपको का, आपका कारण यही था यहाँ पर। इस तरीके से पूरी हम मैंने 370 विधानसभा 74 लोकसभा में पूरा ट्रेवल किया, गाँव की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से टूट कर खत्म हो गई है। अब आपके जो माननीय अधिकारी हैं वो पैसा लेकर कागजों में काम को दिखा देते हैं, या 10 फीट 20 फीट काम करते हैं वहाँ पर फोटोबाजी वीडियोबाजी होती है, प्रूफ भेज देते हैं कि हाँ मैंने विकास किया है। साल भर छोटी अब यहाँ पर टूटिया देखिए, ये टूटिया देखिए, ये चल रहा है टोटी खून घुमा के दिखा रहे हैं। ऐसे सप्लाई होगी, ऐसे पानी का सब चुनाव अब है कहाँ चुनाव आई गया भाई, चुनाव तो भाई कुछ टाइम। अब यहाँ पर दूर तक देखिए, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी आप राजनीति का मुद्दा सोच सकते हैं, आप जाति का मुद्दा सोच सकते हैं, आप किसी हिंदू मुसलमान की बात सोच सकते हैं, लेकिन आप इस विकास के बारे में नहीं सोच सकते। आप मुर्दे हो चुके हो इस चीज के लिए, और उस और उसी मुर्दे का होने का फायदा ये नेता उठा रहे हैं, ये हमारे सांसद विधायक उठा रहे हैं। आप लोगों से सवाल यही करना चाहते हैं, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? देखिए इस तरीके से विकास है, कोई बीजेपी का एजेंट बनेगा, कोई सपा, कोई बसपा, कोई किसका, कोई किसका, कोई किसका, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं है। और ये दूर तक जहां तक दिखाया जाएगी, मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कैसे विकास करोगे आप लोग? ऐसे हमारे बीपी सरोज इसलिए आ रहे थे मुख्यमंत्री जी, यही कारण रहा बीजेपी को हारने का, यहां पर ही लोकसभा का सीट हारने का। विकास भाइयों एवं बहनों, आपके गांव में विकास हो रहा है इस तरीके से। अब देखो वहां से आ रहे हैं, कह रहे हैं अकेले ही गचा रहे हैं, और इनकी हिम्मत नहीं है कि सांसद अगर आ जाएं तो सांसद जी से एक सवाल कर सकें।